झांसी के ग्राम लोहागढ़ में उत्तर प्रदेश पर्यटन सूचना अधिकारी द्वारा संगोष्ठी एवं श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीदों के स्मारकों पर कैंडल व फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि समर्पित की गई। ऐतिहासिक धरोहर लोहागढ़ किले का अवलोकन, संरक्षण आगामी योजनाओं में प्रस्ताव में शामिल किए जाने की बात की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सूचना अधिकारी डॉक्टर चित्रगुप्त श्रीवास्तव द्वारा बताया गया, आज 1857 क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम लोहागढ़ ग्राम में हुआ था। इस गांव में 1857 क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई जब यहां से गुजरी तो पूरे गांव के लोगों ने सहयोग किया। उनके पीछे आने वाली अंग्रेजी सेना को रोका। तब तक रानी लक्ष्मीबाई कालपी तक पहुंच चुकी थी। यहां शहीद हुए अनेकों क्रांतिकारियों की समाधियां हैं। उन समाधियों पर जाकर फूल और मोमबत्ती जलाकर उन सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किला को देखा गया। किला 1857 की क्रांति में जिसका प्रस्ताव भेजा गया और नया प्रस्ताव भी तैयार कर यहां के क्रांतिकारियों की समाधियों का सौंदर्यीकरण और संरक्षण, जिसमें किला गढ़ी भी शामिल रहेगी, ताकि जो यहां पर्यटक आएंगे उनको जो सुविधा मिले उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। वहीं उमेश श्रीवास्तव द्वारा बताया गया, ग्राम लोहागढ़ का भव्य इतिहास है। भारत के इतिहास में जो 1857 की क्रांति है, जो अपने आप में बहुत बड़ी युगांतकारी घटना है, वहीं से सारे क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त क्रांति थी जिसके माध्यम से जन जागरूकता क्रांति आई। अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने बहुत बड़ा युद्ध अंग्रेजों से औरत होते हुए भी अकेले लड़ा था। उस युद्ध का एक हिस्सा लोहागढ़ भी है, क्योंकि जब रानी लक्ष्मीबाई गुजर रही थी इस छोटे से किला गढ़ी लोहागढ़ के लोगों ने मदद की, यहां से निकाला अंग्रेजों का रास्ता रोका। यहां हर जाति और धर्म का व्यक्ति अंग्रेजों से लड़ा, शहीद हुआ। ये किला गढ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। इसको सरकार और पूरे भारतवर्ष की नजर में आना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास का बहुत बड़ा रूप इस किले में छुपा हुआ है। झांसी से विजय सोनी की रिपोर्ट। श्रीवास्तव है, और क्या इतिहास है यहाँ का लोहागढ़ का? देखिए, यहाँ का बड़ा भव्य इतिहास है, क्योंकि भारत के इतिहास में जो 1857 की क्रांति है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक युगांतकारी घटना है हमारे क्रांति में, और वहीं से सारे क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ वो पहले ही ऐसी सशस्त्र क्रांति थी जिसके माध्यम से जन जागरूकता आई और अंग्रेजों के खिलाफ एक इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा, और उस आंदोलन में जो महारानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध अंग्रेजों से अकेले लड़ा था एक औरत होते हुए, उस युद्ध का एक हिस्सा ये लोहागढ़ भी है, क्योंकि जब वो यहां से होकर के गुजर रही थी तो इस छोटी सी गढ़ी ने, जो गढ़ी है यहां पर एक किला है छोटा सा जहां हम लोग खड़े हुए हैं, वहाँ के लोगों ने उनकी मदद करी और उनसे कहा कि आप यहाँ से निकलिए और हम बीच में अंग्रेजों का रास्ता रोकेंगे। तो यहाँ पर हर एक जाति का, हर एक धर्म का व्यक्ति जो था अंग्रेजों से लड़ा, शहीद हुआ, और इस स्थान पर बहुत सारे शहीदों की जो समाधियां हैं वो बनी हुई हैं। ये गढ़ी जो है इस समय बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, जिसको कम से कम सरकार के और पूरे भारत की नजर में आना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास का एक बहुत बड़े हिस्से का एक बहुत बड़ा रूप इस किले में छुपा हुआ है। यही मैं आपसे एक संक्षिप्त इतिहास के रूप में कहना चाहूंगा। क्या नाम है, क्या पद है, आज किस जगह आपके उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में पर्यटन सूचना अधिकारी पद पे हूँ मैं, डॉक्टर चित्रगुप्त। आज 1857 क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम लोहागढ़ गांव में हुआ था। इस गांव में 1857 क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई के जब यहाँ से होकर गुजरी तो पूरे गांव के लोगों ने मिलकर के उनका सहयोग किया। उनके पीछे आने वाली अंग्रेजी सेना को गांववासियों ने रोका। तब तक रानी लक्ष्मीबाई कालपी तक पहुँच चुकी थी। यहाँ उस समय शहीद हुए अनेक क्रांतिकारियों की समाधियाँ हैं। उन समाधियों पे आज जाकर के उन्हें सब फूल और मोमबत्ती जला करके उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है श्रद्धालुओं को। ये यहाँ की गढ़ी है, इसका भी आज सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ देखा और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गढ़ी में क्या एक प्रस्ताव अभी 1857 क्रांति में एक स्थानों के रूप में इसका प्रस्ताव भेजा गया है। एक नया प्रस्ताव भी तैयार करके भेजा जाएगा शासन को, जिसमें यहाँ के क्रांतिकारी की समाधियों का सौंदर्यीकरण और उनका संरक्षण निहित होगा, इसमें गढ़ी भी शामिल रहेगी, ताकि पर्यटक जो पर्यटक यहाँ आते हों उन्हें सुविधा मिले, उनकी सुविधाओं का यहाँ ख्याल रखा जाएगा। यहाँ घूमने वाले पर्यटक और जो क्रांतिकारियों की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने लोग आएंगे उन सभी की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग यहाँ निश्चित रूप से एक प्रस्ताव तैयार करेगा और अपने
मुख्यालय भेजा जाएगा।